हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज है 35x40। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें आपको कार पार्किंग मिलेगी साइड से और आपको रहने के लिए मकान मिलेगा। ये थोड़ा सा गाँव का प्लान है। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं 3D डिजाइनिंग की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट प्लान मिलता है आपको फुल वेंटिलेशन के साथ, देख सकते हैं। इसमें एंट्री भी दी है और बाहर पीछे से आपको एग्जिट भी दिया गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एंट्री गेट की। एंट्री गेट मैंने यहाँ पे 4 फिट का दिया है, ये देख सकते हैं आप। एंट्री गेट आपका 4 फिट का दिया है। एंट्री गेट से एंट्री लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके दिख जाएगा। एंट्री गेट से आप एंट्री लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ये बैठक दिख जाएगी, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बैठक दिख जाती है। इस बैठक का मैंने साइज दिया हुआ है 12x12, 12x12 इस बैठक का साइज है, देख सकते हैं आप। इसी में आपको जीना मिल जाता है। ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, ये जीना आपका 3 फिट का दिया गया है, देख सकते हैं। जीना आपको कुछ इस तरीके से दिया है। बैठक के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पे विंडो उपलब्ध आई है, आपको कुछ इस तरीके से विंडो का लुक दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिख जाएगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप हॉल में आ जाएंगे, यहाँ पे आप हॉल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा डाइनिंग टेबल के लिए। इस स्पेस का मैंने साइज दिया है 8x7, 8x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जीने के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीग्रेट मैंने इस साइड से आपको उपलब्ध कराया है और वेंटिलेशन के लिए मैंने रोड साइड से आपको विंडो दी है, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध कराई है, देख सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया है 10x12, 10x12 इस रूम का साइज है, देख सकते हैं 10x12। उसके बाद यहां पे आपको हॉल मिल जाता है पूरा, ये आपका पूरा हॉल है। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 15x11, 15x11 इस हॉल का साइज है, देख सकते हैं 15x11। हॉल में ही आपको कॉमन लेटरिन बाथरूम मिल जाएगी, देख सकते हैं। ये आपको कॉमन लेटरिन बाथरूम मिल जाएगी यहाँ पे, जिसका वेंटिलेशन मैंने यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्पेस छोड़ के रखा है। यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा, ऊपर जाल उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पे दोनों लेट बाथ का वेंटिलेशन होता रहेगा। इस कॉमन लेटरिन बाथरूम का मैंने साइज दिया हुआ है 4x7, 4x7 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री गेट इस साइड से दिया और वेंटिलेशन आपको इस साइड से दिया है, देख सकते हैं। इस साइड से आपको वेंटिलेशन दिया है। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 6.5x7, 6.5x7 इस किचन का साइज है, 6.5x7। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एंट्री गेट दिखेगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिखेगा। इस गेट से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिल जाता है, देख सकते हैं, जिसका वेंटिलेशन मैंने इस साइड से दिया है आपको। इस साइड आप कूलर भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, देख सकते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इसमें आपको लेट बाथ अटैच मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया गया है, यहाँ पे आपको लेट बाथ अटैच मिलेगी। इस लेट बाथ का साइज मैंने दिया है 6.5x4, 6.5x4 इसका साइज है लेट बाथ का, देख सकते हैं, जो कि आपके रूम में अटैच दी है। और इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, 10x12 इस रूम का साइज दिया है, देख सकते हैं 10x12। कुछ इस तरीके से आपको एक एंट्री गेट दिया है यहाँ पे एग्जिट के लिए, देख सकते हैं। पीछे के एरिया में आने जाने के लिए यहाँ पे आपको एक एंट्री गेट दिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका ये 12 फिट आपका स्पेस है, ये आपका 12 फिट है। इधर पे भी आपका ये 12 फिट दिया गया है, देख सकते हैं।
ये भी आपकी रोड 12 फिट की है, ये भी एरिया आपका 12 फिट का है, यहाँ पे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। अब बात आती है एलिवेशन की और अटिया की। यहाँ पे आप एलिवेशन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से एलिवेशन दिया है पूरा। यहाँ पे आपकी कार पार्किंग का इंटीग्रेट दिया है, कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट का लुक बनाया है, देख सकते हैं काफी बेहतरीन लुक लग रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको अटिया मिलेगी पूरी कंप्लीट, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अटिया मिलती है पूरी कंप्लीट, यहाँ पे मैंने ग्लास का यूज किया है, काफी बेहतरीन लुक लग रहा है आपके अटिया का। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डिजाइनिंग मिलेगी पूरी। ये छज्जा आपका 2 फिट का निकला हुआ है, ये छज्जा आपका 2 फिट का निकला हुआ है, और ये अटिया वाला छज्जा आपका 3 फिट का निकला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज का प्लान पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।